हाँ जी, तो नमस्कार सभी दोस्तों को, आज फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मेडिपिक में। तो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित। तो आज हम दोस्तों चर्चा करेंगे मेगा ब्रोम आई ड्रॉप्स के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस आई ड्रॉप की MRP के बारे में। तो दोस्तों, इसका MRP है 183, मतलब कि 183 रुपये। और ये दोस्तों सन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा बनाई जाती है। और दोस्तों, इस जो आई ड्रॉप है इसमें दोस्तों सॉल्ट है वो है ब्रोमफिनेक 0.09%। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि ये क्या चीज है, मतलब कि इसका क्या यूज है। तो दोस्तों, मेगा ब्रोन जो आई ड्रॉप है यह दोस्तों एक दर्द निवारक दवा है। इसका इस्तेमाल मोतियाबिंद की सर्जरी करने वाले मरीजों में ऑपरेशन के बाद आंखों में दर्द और सूजन के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब कि जब ऑपरेशन होता है मोतिया का, उसके ऑपरेशन के बाद दोस्तों मरीजों को दी जाती है ये आंखों में डालने के लिए दवाई, दर्द और सूजन का इलाज करने के लिए। और दोस्तों, मेगा ब्रोम आई ड्रॉप का उपयोग करने से पहले हमें हमेशा अपने हाथ पहले धोना चाहिए। डॉक्टर द्वारा निर्धारित संख्या में ही ड्रॉप्स का इस्तेमाल करना चाहिए और प्रत्येक ड्रॉप के बाद बीच लगभग 5 मिनट तक प्रतीक्षा, मतलब कि इंतजार करना चाहिए। आपको दोस्तों ड्रॉपर या बोतल का टिप नहीं छूना चाहिए, इससे दोस्तों संक्रमण वगैरह जो फैल सकता है। दवा का इस्तेमाल करने से दोस्तों धुंधली नजर, प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता बढ़ना, रंग दृष्टि में बदलाव, दृष्टि में कमी, आंखों में दर्द और आंख में आंसू आने का कारण बन सकते हैं। ये आमतौर पर अस्थायी होते हैं और समय के साथ अपने आप जो है ठीक हो जाते हैं। हालांकि अगर वह बने रहते हैं लक्षण और खराब हो जाते हैं लक्षण, तो दोस्तों यह बात आपको अपने डॉक्टर को जरूर बतानी चाहिए। आपका डॉक्टर लक्षणों की रोकथाम के लिए या इन्हें लक्षणों को कम करने के लिए कोई तरीके आपको बता सकता है या फिर कोई और दवा आपको बता सकता है। और दोस्तों, सावधानी की बात की जाए तो दोस्तों इस दवा को उपयोग करने से पहले आपको अपने डॉक्टर को उन सभी दवाओं के बारे में बताना चाहिए जिन्हें आप पहले खा रहे हैं या फिर आंख में पहले डाल रहे हैं। अगर आपको पहले से कोई बीमारी या विकार है तो आपको अपने डॉक्टर को जरूर बताना चाहिए। गर्भवती और स्तनपान करने वाली महिलाओं को दवा का उपयोग करने से पहले डॉक्टर से जरूर परामर्श करना चाहिए। तो दोस्तों, मेगा ब्रोम, आप दोस्तों समझ ही गए होंगे कि मेगा ब्रोम जो सॉल्यूशन है, आई ड्रॉप है, इसका इस्तेमाल दोस्तों मुख्य इस्तेमाल वही है ऑपरेशन के बाद आंखों में दर्द और सूजन का, ठीक है, उसको ठीक करने के लिए। तो अब दोस्तों बात करते हैं मेगा ब्रोम आई ड्रॉप का जो साइड इफेक्ट क्या क्या है। तो दोस्तों, इस दवा से होने वाले अधिकांश साइड इफेक्ट में डॉक्टर की सलाह लेने की जरूरत नहीं पड़ती है और नियमित रूप से दवा का जो है दोस्तों उपयोग करने से साइड इफेक्ट है जो अपने आप समाप्त हो जाते हैं। अगर साइड इफेक्ट बने रहते हैं तो या लक्षण बिगड़ने लगे तो अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लेनी चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ सामान्य साइड इफेक्ट के बारे में जो है इस दवा के, मेगा ब्रोम आई ड्रॉप के, वो है दोस्तों पहले धुंधली नजर, प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता बढ़ना, रंग दृष्टि में बदलाव, दृष्टि में कमी, आंखों में दर्द, आंखों में घाव हो जाना और आंखों में बार बार ज्यादा आंसू आना। अब दोस्तों बात करते हैं मेगा ब्रोम आई ड्रॉप का इस्तेमाल है वो कैसे करना चाहिए। तो दोस्तों, यह दवाई केवल बाहरी इस्तेमाल के लिए बनी है, इसे डॉक्टर की सलाह के अनुसार खुराक और अविधि में लेना चाहिए, मतलब कि आंख में डालना चाहिए। इस्तेमाल करने से पहले लेवल की जांच कर लेनी चाहिए। इसे जो दोस्तों ड्रॉपर है इसको दोस्तों हमें छूना नहीं चाहिए और आंखों के पास रखना चाहिए। डालते वक्त ड्रॉपर को हल्के से दबाएं और दवा को निचली पलक के अंदर डालें और जो बाहर, मतलब जो मतलब कि कई बार दोस्तों ड्रॉप है जो ज्यादा डल जाता है हमारी आंखों में, तो उसको जो फालतू मतलब कि जो ड्रॉप रहता है हमारी आंख के बाहर, तो उसको अपने किसी साफ कपड़े से साफ कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को दोस्तों जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब। तो दोस्तों, बहुत बहुत ज्यादा मेहनत लगती है दोस्तों वीडियो बनाने के लिए, इसको एडिट करना, फिर अपलोड करना। तो दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया करो और वीडियो को जरूर लाइक कर लिया करो। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नई ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।